हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं डाइजेस्टिव बिस्किट केक। तो उसके लिए मैंने ये एक पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिया है। इसको इतना इतना ब्रेक करके एक बड़े से कंटेनर में आपको डालना है। इसे ज़्यादा मैश मत कर दीजिएगा, थोड़े सा क्रंच रहने दीजिए। और डाइजेस्टिव बिस्किट जैसे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो उसके लिए आप इन्हें मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं बाय मेकिंग केक। तो इन सबको पहले तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने बिस्किट को रफली तोड़ दिया है और ज़्यादा बारीक नहीं तोड़ा है। अब एक पैन लेंगे, उसमें आधी कटोरी हम डालेंगे कोको पाउडर, एक कटोरी डालेंगे हम चीनी, और पानी की हेल्प से हम इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर रेडी हो चुका है शुगर का और कोको पाउडर का। अब हम इसमें बटर ऐड कर देंगे और इसको बॉईल करेंगे कम से कम 8 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, इसको मैंने गैस पे रख लिया है और इसको स्टर भी करते रहिए, यानी कि घुमाते भी रहिए, बटर मेल्ट भी हो जाएगा और कम से कम 8 से 9 मिनट तक हम इसे पका भी लेंगे। फ्रेंड्स, 6 मिनट तो हो चुके हैं, 3 मिनट हम इसे और घुमाएंगे और उसके बाद गरम गरम नहीं डालेंगे हम बिस्किट्स में, हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर में होने देंगे और तभी हम अपने बिस्किट्स के साथ इसको मिलाएंगे। फ्रेंड्स, ये अब ठंडा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसीलिए हमने बड़ा बर्तन लिया था ताकि हम अच्छे से मिक्स कर सकें। ये सारा इसमें मिला देंगे। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे जो भी आपके पास शेप साइज का कैन होगा उसमें डाल के एक स्पैचुला की हेल्प से उसे प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारा इसमें डाल लिया है। अब हम एक प्लेन स्पैचुला लेंगे और इसे ऐसे इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि हमारे केक का बेस अच्छे से तैयार हो जाए और वो इवन रहे। अब इसको हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रेंड्स, हमने अब एक पैन गरम कर लिया है और इसमें हम डालेंगे फुल फैट क्रीम। इसको गरम कर लेंगे। गरम हो चुका है, अब इसे बंद कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चॉकलेट लिया है, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, कोई भी नॉर्मल चॉकलेट ले सकते हैं। इस चॉकलेट में एक गरम क्रीम डाल देंगे। और इनको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। चॉकलेट आराम से इसमें मेल्ट हो जाएगी और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, पर अब हम इसको काफ़ी देर तक ऐसे ही घुमाते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये रेडी है और जो हमने फ्रिज में रखा था अपना केक का बेस वो भी रेडी है। अब हम इसमें इसको डाल लेंगे। हम इसको फिर से फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए।